वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दुनिया के अखबारों च एक वड्डी सुरखी है कि कतर देश वालों हिंदुस्तान के 8 नेवी अफसर जिन्हों मौत की सज़ा सुनाई गई सी अगस्त 2022 दे विच उन्होंने फड़िया सी ते अज 16 महीनों बाद 2023 दे विच जिहड़ी लोअर अदालत ने उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई सी वो अज कोर्ट वालों जदों अगे पटीशन पाउण दा जिथे मौका सी उन्होंने उसने कोर्ट ने उन्हां दी फांसी की सज़ा माफ़ कर दी है। ये मैनू लग रहा कि वो देश कतर की जिहड़ी जिहड़ी जिहड़ा देश है सरकार है उन्हां दी उन्हां दा राजा जिहड़े कि अमीर शेख तमीर बिन जिहड़े है कतर दे महाराजे ने उन्हां दा धन्नवाद करना बनता है कि उन्होंने साडे देश दे 8 उन्हां लोकां नूं अज फांसी की सज़ा माफ़ कर दिती है जिहदे विच जिहड़ा फाइनैंशियल टाइम जिहड़ा जिक्र करता है कि उन्हां ते 8 साडे जिहड़े नेवी फौजी है उन्हां ते जसूसी करन दा कथित दोष लाया गया सी। दोष भी बहुत वड्डा सी ते इह इक इस्लामिक देश है कट्टरवादी देश है उस वल्लों साडे देश दे 8 नेवी अफसरां दी जिहड़ी आ सज़ा की माफ़ी की गई है। बड़ी चंगी गल है। मैं धन्नवाद करदा हिंदुस्तान की सरकार का नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस मौके पर अपनी अंबैसी के द्वारा जिहड़े वो 8 परिवार सी उन्हां दे परिवारां दा फिक्रमंदी करदिआं उन्होंने इस दे बारे चाराजोई की। ये भी गल देखने विच आई है कि पिछले दिनी दसंबर 4 नूं जिहड़ी एक दुबई के अंदर दुनिया भर के देशों की एक मीटिंग हुई सी उहदे च मोदी साहब जिहड़े आ वो कतर दे शेख नूं मिले सन ते मिलने तो बाद उन्होंने अपने जिहड़ा जिहड़ा अकाउंट आ सोशल अकाउंट उहदे ते जिक्र भी कीता सी कि कतर विच बैठे दे भारतीय लोगों की खैर खुआई भी पुछी है। बड़ी चंगी गल है जे असीं आप दे देश दे लोगों की गल नहीं करांगे। पर मैनूं हैरानी इस गल की है कि जिथे अज एक संतुष्टि की खबर है मैं बधाई दिना कि ना मोदी सरकार नूं उत्थे इस गल का अफसोस भी है बहुत वड्डा कि जिहड़े कट्टरवादी मुस्लिम देश है उन्होंने एक बड़ी गंभीर दोष तहत लोगों की जिहड़ी फांसी है उन्हां नूं माफ़ कर दिता ते दूसरे पासे अज गांधी दा देश कहाउण वाला अज जदों भी कदे कोई लोग जिहड़े आ अपने अहुदा संभालदे आ ते राजघाट जा के गांधी दे कहिंदे ते समाध ते मत्थे रगड़दे आ ते कहिंदे अहिंसा दी वड्डी गल करदे आ ते लोकतंत्र दा दावा करदे आ। इस दुनिया दे अंदर इक वड्डा लोकतंत्र है तो उस लोकतंत्र दे लोक जिहड़े कि नागरिक ने ते खास तौर पर उस कौम दे जिस कौम ने इस देश लई खून दिता अपना ते अज देश दी सरहद ते अपनी देश भगती दा सबूत दिंदिआं वह तिरंगिआं च लिपट के घरां नूं आ रहे ने। पंजाब दे अंदर हर नवीं सवेरे ऐसी कोई खबर आउंदी आ उहनां दे लई साडा देश फिक्रमंद नहीं है। 8 परिवारां दे लई देश ने जिहड़ी चाराजोई कीती आ उह धन्नवाद आ पर लखां जिहड़े सिख ने उन्हां दीआं भावनावां दा की कोई अर्थ शायद की गल ये देश नहीं समझ रहा। सो बड़ा अफसोस है कि बंदी सिंह खास तौर पर बलवंत सिंह जी राजोआणा उन्हां दा जदों मामला आउंदा ते साडे वड्डे लीडर जिहड़े आ उह पार्लीमेंट दे विच इस गल दे लई दो टूक गल कर दिंदे आ कि तुसीं माफ़ नहीं कीते जा सकते। सो बड़ी हैरानी दी गल आ अज सानूं समझणा चाहीदा जे ये देश ने विदेशी सरकार तों अपने नागरिकां वास्ते सज़ा माफ़ी कराई आ ते मैनूं ये लगता कि क्यों नहीं इस देश दे अंदर ये सरकार जिहड़ी बंदी सिंघां दी रिहाई ते बलवंत सिंह राजोआणा दी फांसी दी माफ़ी क्यों नहीं कर सकती। इहदे विच हुण जे कह लईए एक मंशा जिहड़ी कि चंगी नहीं है। एक खबर ये भी अखबार ने दिती आ कि दो देशां दे विच भारत ते कतर दे विच आपसी संवाद वधाउण लई आपसी रिश्ते सुधारन वास्ते काम कीता ते मैनूं अज लग्या कि शायद ये भी सवाल बनता कि सिखां नाल इह जिहड़ी देश दी सरकार है ये रिश्ते सुधारना नहीं चाहती कि इहनां दी कुरबानी नूं वो अनजाण पुणे दे विच छड रही है जां जाण बुझ के इहनां दी कुरबानी नूं अणडिट कर रही है। सो मैनूं लगता कि अज दुनिया भर के अंदर कतर तां इक छोटा जिहा देश है जिहड़ा कि जाणिया जांदा कि सिर्फ 4-5 लख की आबादी का देश है उस दे नाल संबंध सुधारना चाहुंदे आ पर अज दुनिया भर के अंदर
करोड़ों सिख जिहड़े बैठे आ जिन्हां दीआं भावनावां नूं समझण तों जिवें अणजाण हो रहे ने इस देश दे लोक। अज इह सवाल बणदा कि इह देश जां मोदी सरकार जां उहनां दा तंत्र की सिखां नाल संबंध सुधारना नहीं चाहुंदा, जिन्हां ने इस देश दे कानून दे मुताबक अपनियां सजावां तों वध सजावां कटियां, अज देश दा कानून उहनां नूं माफ़ी देण वास्ते जिहड़ा दो टूक जवाब दिंदा, पर एक सवाल बन गया कि इह देश जिहड़ा कतर दे उस सरकार तों उस राजे दे कीते फैसले तों की समझेगा, जां सिखां नाल संबंध सुधारन दा कोई उहदा जिहड़ा प्रोग्राम दिखाई नहीं दिंदा।